यहाँ पे यंग स्टूडेंट्स भी हैं, ये देखिए, ये जब टाई खोल लेते हैं ना कोई बच्चा, तो इसका मतलब स्कूल और कॉलेज उस दिन के लिए खत्म है ना। यस मैम। अच्छा, स्कूल में हो कि कॉलेज में? मैम कॉलेज में हूँ। क्या उम्र है? मैम मेरी 21। आगे क्या बनना है? आगे मैम फार्मेसी कर रहा हूँ, इंडस्ट्री जाऊंगा। अच्छा ये बताओ क्या खाने आए हो यहाँ पे? मैम खाने नहीं है, घर है इधर। अच्छा, चाउमीन अच्छी है इनकी? हाँ। आप लोग क्या खाते हो यहाँ पे ज्यादा? अंकल की चाउमीन बहुत बढ़िया है। अंकल की चाउमीन बढ़िया है? हाँ बढ़िया है। अंकल की चाउमीन भाई, विनोद भैया, या विनोद भैया की शक्ल तो दिखाइए। विनोद भैया को सबको बोल रहे हैं अंकल विनोद की चाउमीन बहुत बढ़िया है। अच्छा ये बताओ मुझे कि चुनाव में कौन आगे है? ये तो इनका घर प्रतापगढ़ में, मैं अमेठी का हूँ। अच्छा आप अमेठी के, तो आप बताइए। ये देखिए इस तरफ, एक मिनट इधर भी देखिए, तो आप देखेंगे बीजेपी का एक छोटा सा कार्यालय भी है। हाँ अच्छा, ये स्मृति ईरानी का कार्यालय है। अच्छा आप बताइए कि चुनाव में कौन आगे? कौन चुनाव में? कांग्रेस आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ के जो इस समय सांसद से पद से लड़ रहे हैं केएल शर्मा, वो गांव-गांव तक पहुँच रहे हैं, हमारे गांव तक पहुँचे। परतोस हमारा घर है एकदम लास्ट बॉर्डर पे, इस समय दुआरा में भी गए थे, आज सुबह हमारी मुलाकात हुई। तो एक तो राहुल गांधी जी का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, और स्मृति ईरानी का कैसा चल? बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा। आज क्या, कहाँ प्रभाव? आप कह रहे थे गाँव में नहीं पड़ रहा। नहीं पड़ रहा, इसका रीजन सबसे मेन ये है कि आज से जब वो चुनाव जीती थी मैम, तब वो कही थी 19 रुपया किलो चीनी रहेगा। आज तक वो बता ही नहीं सकती कि कहाँ पर 19 रुपए किलो चीनी है। पर आपको लगता है कि राहुल गांधी ने, क्योंकि चुनाव में खुद नहीं आए, उसे नहीं आए, लेकिन हाँ गलती की है, आना चाहिए था उनको, आना चाहिए था, लेकिन उनका प्रभाव पूरा पड़ा है, युवा उनके साथ हैं। आप क्या बोलेंगे? यस सर। नहीं उन्होंने बोला तो आपको रिपीट करने का, आप अपना बोलिए ना। आप क्या बोलेंगे? मैं अमृत प्रतापगढ़ से हैं। आप प्रतापगढ़ से हैं? अच्छा जो, ये जो, एक मिनट, उन्होंने बोला कांग्रेस आगे है, आप क्या बोलेंगे? इनका कहने का मतलब मैडम गलत है। अच्छा, एक मिनट मैं आपको दिखाऊं, मैं अमेठी की एक सड़क पे खड़ी हूँ, इस तरफ ये भाई हमारे हैं जो कहते हैं फार्मेसी पढ़ रहे हैं कांग्रेस आगे है, इस तरफ हमारे भाई ये हैं जो कहते हैं बीजेपी आगे है। आप बताइए। मेरा नाम शुभम मिश्रा है, मैं यही नगर का ही हूँ। राहुल गांधी यहाँ चुनाव लड़ते और हार जाते, इनको डर था इसीलिए यहाँ से वो भागे। जहाँ तक भाई हमारे बता रहे हैं कि यहाँ किशोरीलाल शर्मा जी आए हैं, यही प्रतिनिधि करते थे यहाँ का, और राहुल गांधी का जितना भी काम आता तो वो कहते थे, राजीव गांधी जी कहते जब उनके प्रतिनिधि थे, कि एक रुपये वहाँ से भेजता था यहाँ 85 पैसे 15 पैसे गायब हो जाता था बीच में। आज मोदी जी के आने से 2000 रुपए खाते में आ रहे हैं और 15 पैसे यही किशोरी लाल शर्मा ही जाते। आप क्या कहेंगे इस पे? वही प्रतिनिधि करते हैं। अब यहाँ पे हमने डिबेट शुरू कर दी है ना। मोदी जी हम कह रहे हैं आप आ रहे हैं 2000 रुपए दे रहे हैं, रोजगार मुद्दा है, कहाँ रोजगार मिल रहा है आप बताइए? हर एक परीक्षा लीक हो जा रही, क्यों लीक हो जा रही है? कार्रवाई भी हो रही है मैडम, अगर यही परीक्षा लीक ना हुई होती, अभी ये लोग पेपर लीक हुई तो ये लोग विरोध कर रहे थे कि पेपर दोबारा कराया जाए, जब दोबारा हो रहा है तब भी इनको प्रॉब्लम है। हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बात दबाव की नहीं है, बात उनको करवाना पड़ेगा, वो पैसा लिए युवाओं से, पैसा लिए तो करवाएंगे क्यों नहीं? चाहे मैडम लीक होगा, 2 बार लीक हो, 10 बार लीक हो, हो रहा है पेपर, हो रहा है, जो अपराधी थे जो पेपर लीक में शामिल थे उनको जेल भी गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि पैशनेट डिबेट्स चलती है यूपी में। अब आप लोग सब चाउमीन एंजॉय करिए, मैं थोड़ा आगे घूम के आती हूँ, है ना।